हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.3 का। चैप्टर नेम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हालांकि आपका बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट आपको दिखेगा, वो मैं अभी करूँगी तो आपको तब पता चलेगा। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहाँ पे आपको बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स, यानी कि कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग वाले आपके बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपकी इक्वेशन में जितने भी लेटर का यूज़ हो रखा है, उन लेटर का यूज़ करके आप ऐसे कितने वर्ड्स को बना सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना। और कंडीशन दी है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी कि आपका एक लेटर अगर यूज़ हो गया तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इट मीन्स रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं अभी तक हमने क्वेश्चंस जो किए थे स्टूडेंट्स कैसे करे थे, जब आपको बोला जाता था हाउ मैनी थ्री डिजिट फॉर्म या फिर थ्री वर्ड्स फॉर्म, आपको इससे पहले वाले जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आता था हाउ मेनी फोर वर्ड्स फॉर्म, मतलब आप ऐसे फोर वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, या कुछ भी आपको पर्टिकुलर थ्री या फोर फाइव नंबर्स यहाँ पे दे दिया जाता था, तो उसमें हम क्या करते थे, उतने ही बॉक्सेस बनाते थे। बट यहाँ पे आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स मतलब हमें यहाँ पे फिक्स नहीं पता कि मतलब आपके पास कितने आपको बनाने, कितने वर्ड्स वाला मतलब कितने लेटर वाला आपने बनाना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एट लेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपका अगर एट लेटर का ये इक्वेशन, आपके पास जो इक्वेशन वर्ड है वो एट लेटर से मिलके बना है, तो इट मीन्स जो आप मीनिंग एंड मीनिंगलेस जो भी आप लेटर बनाएंगे वो आपका पूरा का पूरा एट लेटर वाला भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है ना। तो आपके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, एट बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इन 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 लेटर की हेल्प से फोर वर्ड्स वाला कोई वर्ड बनाना है या फिर फाइव लेटर वाला कोई वर्ड बनाना है। आपको सिर्फ वर्ड्स लिया, वर्ड्स दिया, तो इट मीन्स एट के एट बॉक्सेस यहाँ पे आपके बनेंगे। ये है आपके पास लॉन्ग मेथड, इसे आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं 6 7 एंड 8। बाकी इसका एक ईजी मेथड मैंने आपको दो मेथड बताए, एक तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में जो हम एक्सरसाइज में हमने स्टार्टिंग में करा था, उसके बाद मैंने एक परम्यूटेशन फॉर्मूला बताया, उससे ये क्वेश्चन और ईजी लगेगा आपको, उसमें आपको इतने सारे बॉक्सेस नहीं बनाने पड़ेंगे, ईजिली डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसके लिए पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। आपको पता है ये आपके पास इक्वेशन, एक वर्ड आपको गिवन है, इस इक्वेशन वर्ड में आप देख सकते हो एट लेटर्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें आपको कितने गिवन है, एट गिवन है। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाना है, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स पूछा यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपने बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकलेंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने का वही आप परम्यूटेशन वाला अप्लाई करेंगे, कंडीशन जो भी अप्लाई करते थे हमने इससे पहले बता रखा आपको। तो पहले वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आप सबसे यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, इस इक्वेशन में जितने भी लेटर यूज़ हुए वो कोई भी रिपीट नहीं हो रखे, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन सब सिंगल सिंगल बार आए हुए, ई आपके पास वन टाइम आ चुका है तो ई दोबारा आपको नहीं दिखेगा, सिमिलरली क्यू भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, यू भी नहीं दिखेगा, ए भी नहीं, टी भी नहीं, आई और एन भी नहीं। तो फर्स्ट लेटर बॉक्स में अगर सपोज मैंने फिल करा क्यू लेटर, ठीक है, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे क्यू सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम क्यू फिल करें, तो इट मीन्स क्यू यहाँ पर आ चुका है तो दोबारा रिपीट तो होना नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दी है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक ही बार आएगा, तो क्यू अगर एक बार आ जाएगा तो वो दोबारा नहीं आ सकता, यानी कि क्यू के यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले बॉक्स में तो ऑप्शन है ना, क्यू भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए टी आई, यानी कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के पूरे पूरे चांस कितने हैं, एट है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली जब एक कोई भी इसमें से एक लेटर यहाँ पे चला जाएगा तो एक लेटर यहाँ से कम हो जाएगा, तो सेकेंड वाले बॉक्स में कितने हो जाएंगे आपके पास, सेवन, फिर सिमिलरली यहाँ पे सिक्स, यहाँ फाइव, यहाँ फोर, थ्री, टू,
और लास्ट वाला बॉक्स में फिर एंड में कोई एक लेटर आपका बच जाएगा, वो वन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको इन सब को क्या करना पड़ता है, एंड में मल्टीप्लाई करना होता है। यही होता था ना हमारा जो मेथड था पहले, हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा इसका आंसर आ रहा है 40320। ओके, मैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली आता है करना, आप कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम परम्यूटेशन फॉर्मूला से करेंगे, तो उससे कैसे करते देखिए। परम्यूटेशन फॉर्मूला में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NPR, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे एन और आर क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एन मतलब होता है आपको जो क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स गिवन होते हैं, यानी कि आउटकम्स कह लीजिए, जो भी क्वेश्चन में जैसे आपके पास इस लेटर से बनाना है आपने, है ना, आपने इस लेटर से बनाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EQUATION आपके पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं इजीली कितने लेटर है, एट लेटर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लेटर इसमें गिवन है वो कितने हैं, एट है। एन इक्वल्स टू एट हो गया आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एन इक्वल्स टू एट है। देन आपके पास इस एट में से कितने लेटर फॉर्म करने हैं, यहाँ पे आपको फिक्स तो नहीं है कि फोर, इस एट लेटर की हेल्प से आप फोर वर्ड्स वाला बनाइए या थ्री वाला बनाइए, सिर्फ वर्ड्स दिया है, यानी कि आपके पास जो आपने बनाना है उसके लिए भी आपके पास क्या चॉइस रख दी है कि वो एट का एट लेटर वाला भी कोई वर्ड बन सकता है, तो इट मीन्स आर भी यहाँ पर एट होगा। आप समझे इस बात को, अगर सपोज यहाँ पे मैं हाउ मैनी वर्ड फोर वर्ड, मतलब ऐसे यहाँ पे लिख देती कि आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें फोर लेटर हो, तो आप देखोगे कि आर आर की जगह यहाँ पे फोर यूज़ हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स बोला, तो यानी कि इक्वेशन से आप एज इट इज़ एक इक्वेशन भी पूरा एक वर्ड अपने आप में एक वर्ड है ना, वो भी बन जाएगा, तो आर भी यहाँ पे एट होगा और एन भी यहाँ पर एट होगा। तो यहाँ पे ये मेन समझना जरूरी है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहते थे, जैसे सपोज आपको वन से लेके वन टू टेन तक के डिजिट देते थे, वन टू थ्री, और इनसे कहते थे थ्री डिजिट का नंबर बनाइए, है ना, तो टोटल नंबर्स कितने होते थे आपके पास, एन इक्वल्स टू टेन, और तीन डिजिट का नंबर अगर आपसे बोलते थे तो आर इक्वल्स टू थ्री हो जाता था आपके पास, तो आप एन पी आर अप्लाई कर लेते थे। सेम हमने यहाँ पे भी ये चीज़ करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एन इक्वल्स टू एट होगा, आर इक्वल्स टू आपके पास एट होगा। अब हम बस हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एन की जगह हम एट करेंगे, एट पी आर भी आपके पास एट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास एट फैक्टोरियल, एन आपकी जगह, एन की जगह एट आ गया, आर की जगह भी एट आ गया, एट माइनस एट फैक्टोरियल, तो एट फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, एट में से एट किया जीरो फैक्टोरियल। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई कि ज़ीरो फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है, वन होता है, तो ये वन हो जाएगा, तो एट फैक्टोरियल अपॉन वन। अब ओवरऑल यहाँ पे भी क्या आया, एट फैक्टोरियल आया ना, एट फैक्टोरियल की कैसे ब्रेकिंग होती है आपको पता है, एट के बाद एट से जितने छोटे हैं वन तक का हम सारे नंबर लिख देते हैं, एट इंटू सेवन प्रोडक्ट फॉर्म में, एट इंटू सेवन, सेवन इंटू सिक्स, सिक्स इंटू फाइव, फाइव इंटू फोर, फोर इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, टू इंटू वन, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखो यही बात आ गई ना, देखो जो हमने यहाँ पे करी थी, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करा है एट से लेके वन तक का, यहाँ भी हम एट से लेके वन तक मल्टीप्लाई करेंगे, 40320। इसमें बस शॉर्टकट क्या चीज़ है कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा और आंसर आ गया। यहाँ पर ये था कि हम इसको प्रॉपर अपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के मेथड से पूरा समझते हुए करते थे कि पहले हमने बॉक्सेस बनाए, देन हमने ये देखा कि हमारे पास इक्वेशन में एक एट नंबर्स का पूरा एट लेटर वाला एक वर्ड है, तो इससे नंबर फॉर्म करना है, तो उस तरीके से हमने उस फॉर्मेट को कैरी करा और यहाँ पे हमने फॉर्मूला वाला फॉर्मेट कैरी किया, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।